हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतिश सिसोदिया है और आप देख रहे हैं कर्ल इन पीएचपी, या कर्ल इन पीएचपी कह सकते हैं या कर्ल ऑफ पीएचपी। ये नेट पर अगर देखेंगे दोनों चीज़ें मिलेंगी। चलो, जो भी हमें कर्ल करना है, ठीक है, पीएचपी में। तो जैसे कि आप जानते हैं, कर्ल एक पीएचपी की एक्सटेंशन होती है। अगर आप जैम्प या वैम्प यूज कर रहे होंगे या कोई भी, उसमें पीएचपी का फोल्डर होगा, उसमें अगर आप देखेंगे एक्सटेंशन के फोल्डर में, तो वहाँ कर्ल करके मिल जाए, कुछ एक फाइल मिल जाएगी। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होगा उससे। मैं यहाँ नया नया नई चीज़ सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ आपको ट्रिक जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। अब लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से हमने कर्ल को इनिशलाइज किया, कैसे हमने ऑप्शन सेट किया, यूआरएल सेट किया, कैसे हमने एग्जीक्यूट किया और किस तरह से हमने उस हैंडल को लास्ट में उसको रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर ये देखने की चीज़ है, जो लास्ट में मैंने आपको किस तरह से कुछ ट्रिक दिखाई थी, किस तरह से हमने उसको जो बाहर के पेज थे वेबसाइट से, कोई किसी वेबसाइट का पेज था, किस तरह से हम अपने जो वेबसाइट है उस पेज पर हमने उसको लेकर आए थे, ब्राउजर हमने शो कराया था, और किस तरह से हमने खुद ही अपने पेज, जो दूसरे प्रोजेक्ट है हमारे लोकल होस्ट पे, उससे हमने उस वेबसाइट का जो एक पेज था, किस तरह से हम अपने वेबसाइट में लेकर आए थे, ठीक है, अपने ही ब्राउजर में उसको शो कराया था। तो ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अब वो चीज़, वो कंटेंट जो आएगा वेबसाइट का, वो किस तरह से हम उसको सेव करेंगे अपने पास और उसको हम रीयूजेबल बनाएंगे, सेव करेंगे, रीयूजेबल बनाएंगे, और जो कि आसानी से हम उसको जब चाहें कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरे पेज पर। तो जैसे कि इनिशियलाइज वाले तो आपने पहले वीडियो देखा होगा, मैं इसको डिस्कस तो नहीं करने वाला। तो इसमें हम कुछ नया देखेंगे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं अब कर्ल पर ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो आपको माइंड खोलेंगे, और ट्रिक्स पर बनाऊंगा जिसे मतलब समझ में आए काम, क्योंकि मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। तो बिगनर को समझ में आया कि कर्ल तो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, वो इनिशियलाइज करा लिया, सेव करा लिया, बट वो क्यों करा लिया, क्यों उसका यूज कैसे होगा, कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इसको लगातार देखिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं हमने यहाँ तक लास्ट वीडियो में काम कर चुके थे, यूआरएल हमने एक ले लिया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ, हमने जो पहले वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से हमने फॉर्म डॉट पीएचपी, यानी कि अपनी जो पेज था उसको हम अपने इस मेन पेज को हमने जब एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हुई जब हमारी स्क्रिप्ट ये मेन पेज की, किस तरह से हमें ब्राउजर पर इसी, हमें अपने ही इस पेज में वो आप फॉर्म को देख पाए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अब हम एक नया ये लेते हैं कि इस एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, किसी भी नाम का वेरिएबल, आउटपुट हो, डेटा हो, रिजल्ट हो, मैं आउटपुट ले रहा हूँ, और जो ये कर्ल एग्जीक्यूट आप करा रहे हैं, मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कराना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं ए को करा के देखता हूँ अभी क्या दिखाई देगा मुझे। अगर मैं ए को कराता हूँ तो यहाँ मुझे एक वन दिखाई देता है, यानी कि जो कुछ वन करके रिटर्न हो रहा है, मतलब कि फॉर्म का जो डेटा है जो मैं वहां से ला रहा हूँ वो तो इनिशियलाइज तो ही रहा है, वो चल रहा है वो पहले से, लेकिन यहाँ सेव नहीं हुआ अभी। उसके लिए एक ऑप्शन है, वो हम सेट कर लेते हैं। उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि जब कोई आप दूसरी बाहर रिमोट वेबसाइट हो या लोकल होस्ट पे, जो कोई व्हाटएवर कोई दूसरी वेबसाइट हो, उसका आप कंटेंट जो अपनी साइट में लाना चाहते हो, तो कैसे होगा ट्रांसफर। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, कर्ल OPT _ रिटर्न ट्रांसफर, और रिटर्न ट्रांसफर और उसके बाद कोमा, और तीसरा जो आप पास करेंगे करेंगे ट्रू। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो देख सकते हैं यहां पर कुछ वो वन जो लिखा था वो तो चला गया। प्रो इसका मतलब ये हुआ, सक्सेस हो गया है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर एक BR ले रहा हूं, BR टैग लिख रहा हूं ऐसी। तो दोस्तों, यहां इस वीडियो में ये नया है, तो इस तरह से मैं काफी सारे ऑप्शंस आपके क्लियर कराऊंगा, इसमें धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा। अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूं तो देखते हैं क्या आता है।
क्योंकि अगर हमारा ऑप्शन सही, हमने ऑप्शन को ठीक किया है, अब जिस पर फॉर्म डॉट पी एच पी में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और उसमें हम ऑप्शन लगा रहे हैं यूआरएल के लिए, हम सेंड करें और एक यहाँ तो ठीक चला है कि प्रिंट का जो है वो सही नहीं हो रहा है अभी, ठीक है उसको हम देखेंगे अभी और तरीके से। बहरहाल हमारा जो ऑप्शन है वो सही है नहीं है वो हमें देखना होगा। तो हमारा ऑप्शन जो हमने लगाया है हैंडल और कर्ल ओपीटी अंडरस्कोर रिटर्न ट्रांसफर, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा डेटा कैसे देखेंगे कि हमारा जो डेटा है इस वाले ऑप्शन से हमें मिल चुका है, रिटर्न हो चुका है। मान लीजिए हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट फाइल को लिखने की कोशिश करूँगा टेक्स्ट डॉट पी एच पी, और इसको जैसे ही एंटर करूँगा देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ से ही इनिशियलाइज तो हो गया है, मतलब वो पेज का जो डेटा है वो तो नॉर्मल आ रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है जो होना चाहिए था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जैसे ही यूआरएल पर हम सेंड करते हैं तो कैसे पता चलेगा, ये तो जो आपने इनिशियलाइज कर एग्जीक्यूट किया वो वाला जो है पेज यहाँ पर आ रहा है उस वेबसाइट का, या कह लो कि दूसरा पेज जो आ रहा है यहाँ पर वो शो हो रहा है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, मैं यहाँ जो इको हो रहा है ये इसको हटा के देखता हूँ। तो क्या वहां देख पा रहे हैं, ये है मेरा, हाँ ठीक है, अगर मैंने ए को हटाया था तो वो हम नहीं देख पा रहे थे उसको, ठीक है डेटा हमें नहीं शो हो रहा था। लेकिन जब हमने थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे, ये हमारा पेज है और यहाँ हमारा ऐसा कर लेते हैं, यहां से नीचे जो एच टी एम एल है मैं इसको अपने कर्ल डॉट पी एच पी में लेकर आता हूँ, जरा कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ अपने कर्ल डॉट पी एच पी में पेस्ट कर लिया है, मकसद कुछ नहीं है, बस मकसद ये है कि यहाँ पर मैंने एक डिब बना रखी है और एक टेबल, उस टेबल और डिब के अंदर मैं इस डेटा को आपको शो कराना चाहता हूँ कि वो मेरे इस जो मैंने वेरिएबल लिया उसमें सेव हुआ है नहीं हुआ है। तो मैंने उसमें लगा दो एक ऑप्शन रिटर्न ट्रू, तो उस ऑप्शन से ये जो कंटेंट आ रहा है उस साइट का वो यहाँ मुझे मिल जाना चाहिए और सेव हो जाना चाहिए मेरे वेरिएबल में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये टेक्स्ट ही रह गया है टेक्स्ट डॉट पी एच पी में, और नीचे वाला पार्ट मैंने अपनी उसमें रख लिया है यहाँ पर कर्ल डॉट पी एच पी में। तो कर्ल डॉट पी एच पी ही मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, वैसे इसको मैं हटाकर, सॉरी ये मैंने रिफ्रेश किया तो देख पा रहे हैं आप बस ठीक चल रहा है अभी, जो टेक्स्ट डॉट पी एच पी का जो कंटेंट है वो यहाँ शो हो रहा है मेरे ब्राउजर पर, ये ठीक चला है। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि मेरे जो आउटपुट नाम का एक वेरिएबल लिया है कि उसमें ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ इको को और फिर देखता हूँ तो वो शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब काम ठीक चल रहा है, मेरे वेरिएबल में वो डेटा स्टोर हो चुका है, आउटपुट जो डॉलर आउटपुट है उसमें वेरिएबल में ये डेटा जो है शो हो चुका है, यानी टेक्स्ट डॉट पीएचपी का जो कंटेंट था वो ठीक से सेव हो रहा था। अब देखिए यहां मैं ऐसा कर लेता हूं, अब मैं उस कंटेंट को यूज कैसे करूंगा, हाउ टू यूज, तो ये छोटी छोटी चीजें आप देखें, आप बिगनर हैं आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है कंटेंट आपने सेव करा लिया, ठीक है अब उसको क्या करेंगे आप, तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। ये एक डिब है, डिब में मैंने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में मैंने पीएचपी टैग लिया, पीएचपी स्क्रिप्ट ली, पीएचपी स्क्रिप्ट में मैं उसको इको करा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने डिब में एक स्टाइल दी हुई थी और वहां पे मैंने इसको, अब इस डेटा ये जो वेरिएबल है आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं अब इसमें आपको टेबल में यूज करके दिखाता हूँ, मेरा मकसद इस वीडियो में यही था कि आप कर्ल को से यूज तो कर आप यूज आप सीख रहे हैं लेकिन उसका करेंगे क्या। तो आई थिंक इससे बहुत अच्छे आइडियाज आपको आ रहे होंगे,
एक टेबल है, मैंने यहाँ पर एक टेबल में प्रोडक्ट आईडी लिख दिया और एक में डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही, मकसद कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है, डेटा शो कराना है बस। तो यहाँ मैंने आईडी कुछ भी आईडी लिख देता हूँ और उस डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से वही स्क्रिप्ट लिखूंगा और इको अंडरस्कोर और डॉलर आउटपुट। तो कहने का मतलब ये कि अब आपने इस वीडियो से समझा कि जो वेबसाइट होती है, दूसरी वेबसाइट, उसका अगर हमें कंटेंट हमें लाना है कल का यूज करते हैं तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा और कैसे हम उसको सेव करेंगे एक वेरिएबल में और उसको हम किस तरह से रीयूजेबल बनाएंगे। मतलब कितना भी आप उसको यूज कर लीजिए, पूरे पेज पर देख सकते हैं आप। यहाँ मैंने आईडी दिया, मैं यहाँ चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में कि वो फिर से आ जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले बहुत ज़्यादा। और आपको भी कुछ आइडियाज हो तो जरूर नीचे लिखें कमेंट्स में। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया मैं यही लेकर आया था। कर्ल का आप यूज कर रहे हैं, कंटेंट मंगा रहे हैं, लेकिन उस कंटेंट का कैसे यूज करेंगे आप, किस तरह से आप पेज पर डिस्प्ले करेंगे यूजर के लिए और किस तरह से उससे साथ काम करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ टेबल में भी मैंने डेटा मंगा लिया तो ये रीयूजेबल है, चाहे मैं इसको मंगा सकता हूँ या मैं डेटा है इसको भी मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ इस यूआरएल पर। तो जिस भी यूआरएल पर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसके साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ आप